गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आसामीज क्लास। तुम लोग रचना विचित्रा बुक उलिये पे रेडी हुआ और कपिखनो ऊर ला कपिखन मेली पे तर दुटा तीन पेज मार्जिन ड्रॉ करा और आज डेट तो ऊपर दिया। आज तुम लोग मैं एक नतुन पाठ पढ़ाम। पाठ नाम से विशेष पद और मार्जिन ऊपर ये लेसन तो पाठ नाम तो लिखी ला आज डेट तो दिबा। एतिया आगते एबार आमी मनत पेलाय लौं जो बारकलेके आमी क्लासत कि पढ़िसिलो। जो बार क्लासत आमी सन्धिर व्यंजन और विसर्ग सन्धि तो समाप्त करिसिलो और तात कि होइसिले व्यंजन बर्णर लगत व्यंजन बर्णर बा व्यंजन बर्णर लगत स्वर बर्णर केनेकै मिलन होइ पेले व्यंजन सन्धि हय और विसर्गर लगत व्यंजन बर्णर लग होइ पेले केनेकै विसर्ग सन्धि हय हे बिषय आमी शिकिलो। आजि आमार जितु पाठ हे पाठटो होइसे विशेष पद। गति के विशेष पद पद तो एक बारे एटा होरु साधारण और सहजे बुझी पुआ पाठ है जी आमी क्लास फाइवर पर जार विषय आमी पढ़ी विशेष माने होइसे नाउन। इतिया नाम की है नाउन की है आमी सकलुए जानो। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन आरु अखोमियातर डेफिनेशन तो की बुली कुआ है जी पदे कुनु नाम बुझाए हे पदक विशेष पद बोले। ये नाउन बा विशेष पद इक पाँच भाग भाग करा हुई तारे प्रथम भाग तो जातिवाचक विशेष तार सूत्र तो केनेकुआ काक कय जातिवाचक विशेष जी विशेष पदे कुनु जातिर नाम बुझाए तक जातिवाचक विशेष बोले। आको ये जातिवाचक विशेषक आमी दुटा भागत भाग करिबो पारो प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक जातिवाचक विशेष कुनबिलाक मानु गोरु घोड़ा एबिलाक प्राणीवाचक जातिवाचक विशेष। आनहाते अप्राणीवाचक जातिवाचक विशेष कुनबुर पर्वत पहाड़ नई बिल एबिलाक होइसे अप्राणीवाचक जातिवाचक विशेष। तार पिसर जितु विभाग विशेष पदर हेतु नाम होइसे संज्ञा बा नामवाचक विशेष पद। एतिया जी विशेष पदे व्यक्तिर बा आन कुनु नाम बुझाए तक संज्ञावाचक विशेष बा नामवाचक विशेष बोले। और एतु तो आमी प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक हिसाबे दुटा भागत विभक्त करिब पारो। उदाहरणस्वरूपे प्राणीवाचक संज्ञा बा नामवाचक विशेष बुली उदाहरण दिबले हले आमी कब लगे राम हरि मधु एबिलाक होल मानुहर नाम व्यक्तिर नाम। गतिके एबिलाक प्राणीवाचक जात संज्ञावाचक बा नामवाचक विशेष। तार पिसत संज्ञावाचक बा नामवाचक विशेषर आरु एटा विभाग होइसे अप्राणीवाचक संज्ञा बा नामवाचक विशेष जेने गुवाहाटी नगाव भारत अहम इत्यादि। एबिलाकर प्राण नाय किन्तु नाम बुझाइसे गतिके एबिलाकक अप्राणीवाचक नामवाचक संज्ञा बुलि कुवा होइसे। किन्तु एखिनिते एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा मय तोमालोकक कय दिउ एइ जे गुवाहाटी नगाव एबिलाकक अप्राणीवाचक नामवाचक विशेष हिसाबे विभाजन करि दिले हेतु विभागत भराले। किन्तु स्थायी नाम बुझा विशेष पदक आको स्थानवाचक विशेष पद बुली कय बुली आमी पाम। किन्तु क्लास नेक्स्ट क्लासत आमी पाबो पारो। गतिके कन्फ्यूज होइ ना जाबा एबिलाक नाम कारणे इयात संज्ञावाचक बा नामवाचक विशेषर अंतर्गत करि दिया हैछे। तीनि नम्बरत आमाक जितु भाग दिछे विशेषर हेतु हैछे बस्तुवाचक विशेष। बस्तु बा पदार्थर नाम बुझा विशेष पदक बस्तुवाचक विशेष पद बोले। हेबिला जिकोनो बस्तु हब पारे पेन्सिल एडाल हब पारे पेन्सिल कागज कलम चशमा एनीथिंग जिकोनो बस्तुर नाम बुझाले तक कुआ है बस्तुवाचक विशेष पद। इयार पिसर विभाग तो हैछे गुणवाचक विशेष पद। गुणवाचक बुली कोले गुण बुली जतिओ आमी भाबो एई गुणवाचक विशेष पदटुत किन्तु गुण आरु दुख दुइटाय भराय दिसे दुटाय अन्तर्भुक्त। तोमालोकक जेते डेफिनेशन तो कम मय तेतिया बुझि पाबा। सुआ जी विशेष पदे गुण अवस्था आदिर नाम बुझाय ताक गुणवाचक विशेष बोले। जेने दया क्षमा एबिलाक तो गुण हय हिंसा ईर्षा एबुर किबा गुण निकि मानुक हिंसा करा ईर्षा करा एबिलाक तो गुण नहय हेकारने मय कइसु गुणवाचक विशेषर अंतर्भुक्त हय गुण आरु दुख दुटाय बुझुआ गयसे। सौंदर्य माधुर्य विनय साधुता नम्रता विद्या शिक्षा इत्यादि एबिलाक हैछे गुणवाचक विशेष।
ইয়াৰ পিছত আহিলে ক্ৰিয়াবাচক বিশেষ্য। ক্ৰিয়া মানে হৈছে কাম বা কাৰ্য। যি পদে কোনো কাম কৰা বা হোৱা বুজায় তাকে ক্ৰিয়াপদ বুলি কয়। এতিয়া ক্ৰিয়াবাচক বিশেষ্য কোনবিলাক? যি বিশেষ্য পদে ক্ৰিয়া বা কাৰ্যৰ নাম বুজায়, কোনো এটা কৰ্মৰ নাম বুজালে তাক ক্ৰিয়াবাচক বিশেষ্য বুলি কোৱা হয়। মই যে লেচনৰ পৰা চাই পেলাই পঢ়ি আছোঁ, এই মোৰ পঢ়া কাৰ্যটোৰ নাম হ'ব পঠন। তোমালোকে যে কথাবোৰ শুনি আছা, সেই শুনি থকা কৰ্মটোৰ নাম হ'ব শ্ৰৱণ। কোনোবাই যদি এই মুহূৰ্তত খাই আছে, এই খোৱা কৰ্মটোৰ নাম হ'ব ভোজন। চৰাই এটা যদি উৰি আছে, তেতিয়াহ'লে তাক কোৱা হয় উৰণ। গতিকে বুকত থকা এক্সাম্পল বা উদাহৰণ বাদ দিও, আমি কৰ্ম, যিকোনো কৰ্মক যে ক্ৰিয়াবাচক বিশেষ্য পদ বুলি কয় এই কথা গম পালোঁ। ইয়াৰ বাহিৰেও আকৌ সময়ৰ নাম বুজাবলৈ বৰ্তমান আৰু এটা বিশেষ্যৰ বিভাগ কৰা হৈছে, যাৰ নাম হৈছে কালবোধক বিশেষ্য। তোমালোকে বিশেষ্য পদৰ ভাগ কেইটা আৰু কি কি বুলি সুধিলে, এই গোটেই পাঁচটা বিভাগ লিখাৰ লগতে উদাহৰণেৰে সৈতে শেষত কিন্তু এই কথাটো, কালবোধক বিশেষ্যৰ কথাটো লিখিব লাগিব, বৰ্তমানে আৰু এটা বিভাগ কৰা হৈছে বুলি, সময়ৰ নাম অনুসৰি। যেনে দিন, ৰাতি, পুৱা, এইবিলাক এটা এটা সময়ৰ নাম, গতিকে এইটো কালবোধক বিশেষ্য পদৰ অন্তৰ্গত। গতিকে আজিৰ পাঠটোৰ পৰা আমি কি শিকিলোঁ? আজি এই অতি চমু আৰু সহজ পাঠটোৰ পৰা আমি কথা শিকা কথাখিনি হৈছে, বিশেষ্য পদ কাক বুলি আমি শিকিলোঁ, আৰু বিশেষ্য পদৰ যে পাঁচটা বিভাগ আছে, আৰু সেই বিভাগসমূহৰ সূত্ৰ অনুসৰি এক উদাহৰণৰ সৈতে সেই গোটেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি শিকিলোঁ। তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজত ৰচনা বিচিত্ৰৰ পেজ নম্বৰ 33, তাত কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ পৰা 5লৈকে তোমালোকে গোটেইকেইটা কৰিব পাৰিবা। 6 নম্বৰটো মই কৰি দিছোঁ, সেইটো তোমালোকে লিখি ল'বা। আৰু 6 নম্বৰটো যে মই কৰি দিছোঁ, সেইটো কেনে তোমালোকৰ কাৰণে অলপ টান হ'ব বুলি ভাবি পেলাই মই কৰি দিছোঁ, আৰু কিয় হ'ল, কেনেকৈ হ'ল, সেইটো বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। থেংক ইউ।